इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर मध्य प्रदेश में पहली बार एमपी प्रीमियर लीग शुरू होने जा रही है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीसीसीआई सचिव जय शाह और पूर्व भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव ने किया। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग के उद्घाटन समारोह में पूर्व कप्तान कपिल देव, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सचिव जय शाह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए, जहां सबसे पहले शंकरपुर स्थित नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम का नामांकन किया है। अब क्रिकेट स्टेडियम स्वर्गीय माधवराज सिंधिया के नाम से जाना जाएगा। एमपीएल में कुल 5 टीमें हिस्सा ले रही है। इनके बीच कुल 12 मैच खेले जाएंगे और टूर्नामेंट का फाइनल 23 जून को होगा। Well done, keep up the good work. Hats off to you and your family. And we like to come back again when the full stadium is full, see the match. Good luck to everybody and all the best from bottom of my heart. Thank you. Thank you so much.